तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर एंड एग्री बिजनेस में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुबोटा की तरफ से आने वाला MU 4501, जो कि 45 HP में ट्रैक्टर आता है, जापानी तकनीक के साथ आने वाला ट्रैक्टर, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुबोटा की तरफ से आने वाला 4501। सबसे पहले ट्रैक्टर की लुक की बात करते हैं तो वही डेलीगेटेड लुक जो कुबोटा कंपनी ने बनाया है, वही लुक में ट्रैक्टर आ जाता है। सामने हमको यहाँ पे कुबोटा की ब्रांडिंग मिल जा रही है, और इस ट्रैक्टर में काफ़ी हीवी ड्यूटी यहाँ पे मजबूत हमको सामने की ओर बम्पर मिल जाता है। साथ में यहाँ पे वेट भी मिल जा रहा है, सामने तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी फिटेड वेट आ जाता है। और ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है, तो भैया इस ट्रैक्टर में हमको सीधे टाइप का नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाता है। ड्यूल एक्टिंग की दमदार पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है, जो कि शानदार परफॉर्मेंस करती है। वही ट्रैक्टर की साइड लुक की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में साइड में हमको यहाँ पे MU 4501 के साथ डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान की बीचिंग भी देखने को मिल जाती है, और साथ में यहाँ पे कुबोटा की क्रोम वाली बीचिंग देखने को मिल जाती है। साथ में जो ट्रैक्टर के फीचर है KQ4P का, यहाँ पे हमको 4 पिस्टन वाला ट्रैक्टर का इंजन, सिंक्रो मेज, ड्यूअल PTO, ड्यूअल क्लच, इसकी भी हमको साइड में बीचिंग देखने को मिल जाती है। और दूसरी तरफ बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको शटल शिफ्ट के साथ OIB वेट, डिस्क ब्रेक, पावर स्टीयरिंग की बीचिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में कंपनी भी इस ट्रैक्टर की हमको 5 साल की वारंटी यहाँ पे देती है, तो कंपनी की तरफ से हमको 5 साल की वारंटी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। आगे बात करते हैं दमदार ट्रैक्टर के इंजन की, ट्रैक्टर का बोनट खोल के, तो भैया यहाँ से 1 क्लिक में ट्रैक्टर का बोनट आसानी से खुल जाता है। 1 क्लिक में हम ट्रैक्टर का बोनट खोल सकते हैं। इसके बोनट में हमको यहाँ पे सिंगल हाइड्रोलिक रॉड मिल जाती है, जो कि बोनट को ऊपर की ओर उठाए रखते हैं। साथ में हमको ट्रैक्टर में सामने की तरफ ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट का यहाँ पे एयर फिल्टर मिल जा रहा है। ट्रैक्टर की बैटरी भी आप देख सकते हो सामने सुरक्षित लगी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। और भैया इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है, तो कुबोटा की तरफ से आने वाले इस ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टाइप का ट्रैक्टर का रेडिएटर मिल जा रहा है, जो कि ट्रैक्टर को लंबे समय तक भी काम करने पर ज़्यादा हीट नहीं होने देता है। दमदार ट्रैक्टर के इंजन की बात करते हैं तो कुबोटा की तरफ से आने वाले MU 4501 में हमको यहाँ पे 2434 cc का दमदार इंजन मिल जा रहा है। 4 सिलेंडर वाला इंजन इस ट्रैक्टर में आता है, 4 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि 2500 रेटेड RPM पर वर्क करता है। साथ में ट्रैक्टर में हमको डबल बैलेंस शाफ्ट मिल जाती है, जो कि ट्रैक्टर के यहाँ पे वाइब्रेशन को और नॉइस को कम करता है। साथ में डबल डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर की सुविधा भी इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। आगे ट्रैक्टर में बात करते हैं ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की और ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। तो सबसे पहले भी ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं मजबूत फुट स्टेपर मिल जा रहा है। और एक और चीज, इस ट्रैक्टर में अगर हम हाइड्रोलिक वगैरह सामने लोडर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से इस ट्रैक्टर में लगा सकते हैं। साथ में जो ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो काफी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। सिंक्रोमेस टाइप का हमको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जा रहा है इस ट्रैक्टर में, और शटल शिफ्ट गियर मिल जा रहा है। साथ में जो ट्रैक्टर की सीट है वो भी हमको फुली एडजस्टेबल मिल जा रही है, जिसको हमारी आवश्यकता के अनुसार आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चढ़ते हैं ट्रैक्टर पर और देखते हैं इसके लीवर पोजीशन के बारे में। सीट के राइट साइड में हमको यहाँ पे ट्रैक्टर का मेन लीवर मिल जा रहा है, जिसकी पोजीशन भी आप देख सकते हो काफी ऊपर है और काफी आसानी से हम इसको चला सकते हैं, जिसमें हमको 4 फॉरवर्ड के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। यही साइड में हमको ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल मिल जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर में चलने वाले इम्प्लीमेंट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमको इस ट्रैक्टर में हाई लो की कैटेगरी मिल जाती है, साथ में रिवर्स भी हमको मिल जाता है। इस प्रकार इस ट्रैक्टर में हमको कुल 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में जो उसका PK का इंडिपेंडेंट क्लच भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में ट्रैक्टर की क्लच की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे डबल क्लच मिल जा रहा है, और ट्रैक्टर की ब्रेक भी OIB ब्रेक, जो कि शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं। साथ में भी इस ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक की सुविधा भी देखने को मिल जा रही है राइट साइड में नीचे की ओर, और ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा भी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। डिजिटल प्लस एनालॉग टाइप का हमको यहाँ पे ट्रैक्टर का डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें हम टेम्परेचर, लाइव RPM के साथ यहाँ पे डीजल वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। स्टेयरिंग के नीचे हमको यहाँ पे हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो ट्रैक्टर का डीजल टैंक है। तो भैया इस ट्रैक्टर में हमको 60 लीटर कैपेसिटी का बड़ा डीजल टैंक मिल जाता है। साथ में हमको हॉर्न, इंडिकेटर लाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच मिल जा रहा है। आगे बात करते हैं दमदार ट्रैक्टर में ट्रैक्टर के पीछे के भाग की, ट्रैक्टर की PTO पावर और लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। तो भैया कुबोटा की तरफ से आने वाले 4501 की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 1650 kg की दमदार लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जा रही है। साथ में हमको फुली एडजस्टेबल हिज मिल जाता है, इसको हमारी आवश्यकता के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इस ट्रैक्टर में हमको डबल PTO का ऑप्शन मिल जाता है, डबल PTO का यहाँ पे हम लीवर भी देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर में हमको 540 राउंड वाला इकोनॉमी और यहाँ पे स्टैंडर्ड PTO के ऑप्शन मिल जाते हैं। PTO पावर की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 39 HP की दमदार PTO पावर यहाँ पे मिल जा रही है। साथ में ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1650 kg की मिल जाती है, काफ़ी हीवी ड्यूटी मटेरियल के साथ हमको पीछे का भाग यहाँ पे मिल जा रहा है।
साथ में ट्रैक्टर का थ्री पॉइंट लिंकेज हमको ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल वाला मिल जा रहा है। पीछे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। ड्राइवर की सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पे रिफ्लेक्टर, एक टूल बॉक्स और दोनों फेंडर को जोड़े रखने के लिए यहाँ पे एक रॉड भी मिल जा रही है। साथ में हमको यहाँ पे बॉटल होल्डर की सुविधा भी इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। साथ में रात वगैरह में काम करने के लिए हमको पीछे एक बढ़िया लाइट मिल जा रही है बड़ी सी। यहाँ पे पीछे के टेल लैंप पे भी अट्रैक्टिव से इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर साइज की, तो 4501 में जो यहाँ पे टायर है 1428 के हमको पीछे के बड़े टायर मिल जा रहे हैं। ट्रैक्टर के आगे के टायर 750-16 के बड़े टायर इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। ट्रैक्टर के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 405 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। साथ में जो ट्रैक्टर की लंबाई है तो भैया इस ट्रैक्टर में हमको 3100 mm की लंबाई मिल जा रही है। ट्रैक्टर की चौड़ाई यहाँ पे 1865 mm की चौड़ाई के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है। तो दोस्तों ये था कुबुटा की तरफ से आने वाला 4501 ट्रैक्टर जो कि 45 HP में आ रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।